हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमारी अभी जो क्लास चल रही है वो थ्योरी की, अभी सेफ्टी से संबंधित क्लास चल रही है, तो इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेफ्टी के नाम से, वहाँ से आप सभी वीडियो वो देख सकते हैं, ठीक है। इससे हमने 4 क्लासें वो पहले क्लियर कर ली है, तो अभी आज की क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो है इसमें बिजली द्वारा आग, इलेक्ट्रिक फायर हम इसमें क्या है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फायर, बिजली द्वारा आग, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फायर में? इसमें दिया हुआ है जो आग बिजली से जलती है उसे बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो करते हैं, इसे क्लास डी फायर कहते हैं। ये हमने कल पीछे वाले क्लास में है वो सारा पढ़ लिया था, उसका ही थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लकड़ी की आग, यानी कि कार्बोनेशियम फायर क्या होती है? जो आग लकड़ी, लकड़ी के कोयले, पत्थर के कोयले से जलाई जाती है उसे लकड़ी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी, मिट्टी के व रेत का प्रयोग है वो किया जाता है। इसके लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, इसे क्लास ए फायर कहते हैं। नेक्स्ट है गैस से आग, तो गैस फायर में क्या आएगा? जो आग गैस से द्वारा जलाई जाती है उसे गैस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसे क्लास सी फायर कहते हैं। इसके लिए ड्राई पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक ये हो गई कौन सी? बिजली द्वारा आग, लकड़ी द्वारा, गैस द्वारा, और एक होती है ऑयल फायर, तेलिया आग, ठीक है। ऑयल फायर क्या हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आग बुझाने के साधन, तो यानी कि इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं फायर फाइटिंग के। फर्स्ट है पानी की भरी बाल्टी होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टी होनी चाहिए, कैनवस सीट होनी चाहिए और CTC एक्सटिंग्विशर, ठीक है। CTC एक्सटिंग्विशर क्या, आपको कल मैंने क्या बताए थे? 2 नाम और बताए थे, ठीक है। तो वो कौन से नाम है आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिस जिसको याद है, क्योंकि जिसने मन लगाकर जो क्लास देखी होगी तो उसको याद होगा कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर के 2 नाम और भी होते हैं, और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो लगभग हर कंपिटिशन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा CTC फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। तो इसके जो 2 और नाम हैं वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट एड में दिया गया है कारखानों में दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है और उस समय डॉक्टर का तुरंत उपलब्ध होना मुश्किल होता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर दुर्घटना घटती है वहाँ पर तुरंत डॉक्टर का उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अतः अचानक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर डॉक्टर के पहुँचने या अस्पताल जाने से पहले घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली आवश्यक उपचार को ही फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एड में एक गोल्डन हॉर्स भी होता है। अब गोल्डन हॉर्स कौन सा होता है? सुनहरा घंटा, ठीक है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? सुनहरा घंटा। कौन सा होता है? जो गोल्डन हॉर्स होता है। अब गोल्डन हॉर्स कितना मिनट का होता है? तो गोल्डन ओवर हमारा कितना होता है? 30 से 45 मिनट का गोल्डन ओवर है वो माना जाता है, ठीक है। ज़्यादातर वो 30 मिनट का गोल्डन ओवर्स माना जाता है, 45 मिनट का भी हो तो भी चल जाता है, ठीक है। 45 मिनट का गोल्डन ओवर्स या फिर 30 मिनट का। अब गोल्डन ओवर्स क्या होता है? तो डियर फ्रेंड, गोल्डन ओवर्स वो होता है जो एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद 30 से 45 मिनट, ठीक है। कौन से? 30 से 45 मिनट, 30 मिनट से 45 मिनट होता है वो एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद 30 से 45 मिनट होते हैं वो मरीज के लिए क्या होते हैं? गोल्डन ओवर्स होते हैं। उसके अंदर उसको क्या फर्स्ट एड मिलनी चाहिए और नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ तक उसे पहुँचाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
प्राथमिक उपचार क्या समान होना जरूरी है, प्राथमिक उपचार का क्या क्या समान होना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए निम्नलिखित समान का होना चाहिए जिससे दुर्घटना होने पर या बीमारी की हालत में प्राथमिक सहायता दी जा सके। इसमें क्या क्या होने चाहिए, पट्टियाँ, रुई, टिंचर आयोडीन, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट, स्प्रिट, अमोनिया, मर्क्यूरोक्रोम, सोडा बाइकार्बोनेट, सूंघने का नमक, APC, बर्नोल और प्लास्टर दवाई वाला, जालीदार कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन आदि होना चाहिए। इसके साथ में ग्लास, ड्रॉपर, स्ट्रेचर और आँख साफ करने का सामान आदि, ये सब चीज़ें क्या है, ये होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इनमें से भी क्या है, कई बार एक आधा क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं बाई चांस कि जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है उसके अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए या इनमें से कौन सा सामान है वो प्राथमिक उपचार पेटी में नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, अगर आप बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इनको। ठीक है, अब आप क्या इसे आराम से वो नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, यानी कि सेफ्टी हमें कौन सी है वो बरतनी चाहिए प्राथमिक उपचार या सॉरी प्राथमिक चिकित्सा करते समय, यानी प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देते समय। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को हमेशा शांतिपूर्वक अपना या फिर मतलब उसके आसपास का जो एरिया है वो शांत माहौल रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए, अर्थात रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अब क्या कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लेते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड हमें देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद या दुर्घटना घटने के बाद जो पहले 30 मिनट जो होते हैं, फर्स्ट के जो 30 मिनट्स होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। उसके अंदर अगर उसको मरीज को प्राथमिक चिकित्सा दी जाए तो उसके बचने के जो चांस है वो 90% बन जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो फर्स्ट एड है वो 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर उन्हें मिलनी चाहिए, उसके बाद में क्या है उसको नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है दुर्घटना का कारण तुरंत पता करके रोगी की फर्स्ट एड करनी चाहिए, यानी कि किस वजह से उसकी दुर्घटना हुई है, करंट लगा है या कुछ और हुआ है, एक्सीडेंटल है, क्या चीज़ है, उसकी वजह हमें जाननी चाहिए। नेक्स्ट है यदि दुर्घटना गैस लीक से या बिजली की नंगी तारों से या आग इत्यादि से हो तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि गैस लीक की वजह से हुई हो या बिजली का झटका लगने से हुई हो या आग लगने की वजह से हुई हो, तो जो फर्स्ट एड जो बंदा दे रहा है वहीं पे, तो उसको भी इस चीज़ों का क्या ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि खुद की सेफ्टी भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि उसको फर्स्ट एड देने में ध्यान चला जाए और पीछे से कुछ अनहनी हो जाए तो उसमें दुर्घटना में वो भी शामिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि जहाँ पर कुछ कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर क्या लोग हैं वो चारों तरफ से आकर क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उसको हवा वगैरह, खुली एयर वगैरह नहीं मिल पाती है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसको क्या एक शांत माहौल में, खुले माहौल में रखना चाहिए जहाँ पर क्या उसको चारों तरफ से खुली हवा मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के कमीज के बटन आदि खोल देने चाहिए ताकि उसे सांस लेने में कठिनाई हो ना हो सके, और उसे खुली हवा में लिटाना चाहिए, खुली हवा में लिटाना चाहिए जिससे क्या उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। चारों तरफ अगर भीड़ रहेगी तो क्या शोर शराबा भी ज़्यादा होगा, तो उससे भी क्या है उसके क्या वो मेंटली टॉर्चर होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सहानुभूतिपूर्ण बात करनी चाहिए तथा उसे हौसला देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए कि ये इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें ना करके उसको क्या है हमें समझाना चाहिए कि जो होना था वो हो गया है, कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है, ऐसा कुछ करके हमें क्या उसको समझाना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, यदि कहीं से रक्त निकल रहा हो तो उसे जल्दी से बंद करने का उपाय करना चाहिए। अगर कहीं से ब्लड निकल रहा हो, ब्लड का रिसाव हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या है हमें जल्दी से उसे बंद करने का उपाय करना चाहिए। अब कहीं पर भी अगर ब्लड जो निकल रहा है
तो उसको क्या है, पट्टी वगैरह नहीं बांधनी चाहिए, उस पर पानी वगैरह नहीं डालना चाहिए। जहाँ पर हमारा ब्लड निकल रहा है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि जहाँ पर कोई रक्त वगैरह बह रहा है वहाँ पर हमें कुछ दूसरी चीज़ें न लगाकर वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। डियर फ्रेंड, ये जो पढ़ाते समय जो कुछ बातें निकल कर आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये बातें नॉर्मली याद नहीं रहती है। तो अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जब भी कहीं रक्त निकल रहा हो तो वहाँ पर क्या, हमें प्रेशर अप्लाई करके उसे बंद करना चाहिए, ना कि वहाँ पर कुछ पानी वगैरह डालना चाहिए, दवाई वगैरह नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञा शून्यता की स्थिति में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है जिसे देरी नहीं करनी चाहिए। संज्ञा शून्यता क्या होती है, बेहोशी की हालत में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हमें फर्स्ट एड उसे देनी चाहिए। क्या श्वसन क्रिया जो हम क्या जो कृत्रिम श्वसन वगैरह जो देते हैं नॉर्मली सभी को पता ही होता है, आगे भी हम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, बेहोशी के बारे में, संज्ञा शून्यता के बारे में, तो उसमें क्या आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि कैसे हमें कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, इसमें है, यदि आपको लगता है कि रोगी की हड्डी टूट गई है तो उस अंग को अधिक हिलाना नहीं चाहिए जब तक रोगी को डॉक्टर के पास न पहुंचाया जा सके। अभी कई बार क्या होता है कि जैसे बड़े एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या कुछ अनहोनी दुर्घटनाएं घट जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए जैसे कि हाथ की हड्डी टूटी है, पैर की हड्डी टूटी या कहीं से और फ्रैक्चर हो गया, तो उस अंग को क्या हमें इधर उधर हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उसको एक एक जगह पर स्थिर रखना चाहिए जब तक कि डॉक्टर आकर उसको ना देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रक्त संचार की गति तेज करने के लिए रोगी को चाय, गर्म दूध आदि भी दिया जा सकता है। यानी कि उसका जो रक्त संचार, रक्त की जो गति है वो बढ़ाने के लिए क्या उसको कुछ गर्म चीज़ें हमें देनी चाहिए, जैसे चाय है, गर्म दूध है, तो उससे क्या होगा उसका रक्त संचार वो कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हल्की चोट लगे अंगों पर डिटोल लगाकर उन्हें साफ करके दूसरी दवाई लगानी चाहिए ताकि रोगी को कुछ राहत मिल सके। यानी कि उसके जो हल्की चोट लगी है तो उसको क्या है पहले हमें क्या करना चाहिए कि या तो लाल दवा से या फिर हमें क्या डिटोल से उसको साफ करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या है दूसरी दवाई है वो अप्लाई करनी चाहिए। और ठीक है, और इसके साथ में डियर फ्रेंड आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहरी चोट पर लोकल दवाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो बाहरी चोट होती है उन पर हमें लोकल दवाओं का यूज है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, हमें लोकल दवाओं का यूज है वो बाहरी चोट पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आपको क्या याद रखना है कि बाहरी चोट पर हमें लोकल दवाओं का यूज है वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, संज्ञा शून्यता किसे कहते हैं, बेहोशी की हालत किसे कहते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण रोगी अपने मस्तिष्क की चेतना खो देता है और उसका शरीर अचेत अवस्था में आ जाता है तो उसे संज्ञा शून्यता कहते हैं या अनकॉन्शियस कहते हैं। यह रोग मुख्यतः रोगी को बिजली का करंट लगने, सिर को चोट लगने या फिर सांस अवरुद्ध होने से होता है। मेनली किस वजह से होता है, बिजली का करंट लग गया, सिर में चोट लग गई या फिर क्या होता है सांस रुकने की वजह से क्या होती है संज्ञा शून्यता, यानी कि अनकॉन्शियस जो होता है वो इस वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी को बिजली का करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मान लो बिजली का करंट लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी फर्स्ट एड है वो किस प्रकार हमें करनी चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड कि कई बार काम करते समय अनजाने में बिजली की नंगी तार छू जाती है। ठीक है, तो बिजली का बड़े जोर से धक्का लगने लगता है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इससे आदमी बेहोश हो जाता है या फिर तार से चिपक कर मर भी जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति को बचाते समय बहुत ही सावधानी से काम में लेना चाहिए, अन्यथा बचाने वाले व्यक्ति को भी बचाते समय चिपक कर मर जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा कि करंट है वो एक दूसरे के अंदर आगे से आगे प्रवाहित हो जाता है, तो क्या जैसे कोई करंट लगा हुआ है या तार के कहीं चिपका हुआ है कोई व्यक्ति, तो हमें उसको क्या सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए, ये ना हो कि हमारे ही करंट लग जाए। ठीक है, इसलिए बिजली से चिपके व्यक्ति को किसी भी हाथ से सीधे नहीं छुड़ाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बिजली का मेन स्विच है वो तुरंत बंद करना चाहिए।
यदि स्विच जल्दी न मिले तो सूखी लकड़ी लेकर बिजली की तार को हटाना चाहिए, ठीक है। या तो मेन स्विच अगर हमारे पास में है तो उस मेन स्विच को क्या हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर अगर मेन स्विच हमारे पास में नहीं है या फिर क्या स्विच हमें क्या है मिल नहीं रहा है कि हमें नहीं पता है कि स्विच कहाँ पर है, तो हमें क्या करना है कि सूखी लकड़ी लेनी है, ठीक है डियर फ्रेंड। सूखी लकड़ी लेनी है, पैरों में क्या है रबर के जूते होने चाहिए, उसके बाद क्या है हम इसको क्या है हटा सकते हैं। पैरों में अगर रबर के स्लीपर हैं तो भी चलेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। लेकिन क्या है हमारा कनेक्शन है वो डायरेक्ट उस विद्युत से नहीं होना चाहिए, बिजली से हमारा क्या है डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। छुड़ाते समय पैरों में सूखे रबर वाले जूते पहनने चाहिए या छुड़ाने वाले व्यक्ति को सूखी लकड़ी के मेज या तख्ते पर खड़ा होना चाहिए, यानी कि सूखी लकड़ी का कोई मेज है कोई तख्ता है तो उस पर खड़ा हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, अगर रबर के आपने जूते पहन रखे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जब करंट लगे व्यक्ति को अलग कर दिया जाए तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए, यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो उसे गर्म दूध या चाय आदि देनी चाहिए, यदि उसे सांस लेने में कठिनाई आती हो तो उसे कृत्रिम श्वास हमें देना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कई बार क्या होता है जैसे करंट वगैरह लग जाता है, तो करंट वगैरह लग जाता है तो क्या उसके हाथों पैरों में मालिश भी करनी चाहिए करंट से छुड़ाने के बाद, तो उससे क्या होता है कि करंट है वो आगे से आगे डिवाइड हो जाता है, एक ही बॉडी में नहीं रहता है। अगर आगे से आगे करंट डिवाइड होएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो करंट है वो आगे से आगे बहता चला जाएगा और सभी में क्या है डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर, ठीक है। तो वो क्या है मरीज को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि करंट लगे हुए व्यक्ति को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा छूना चाहिए ताकि क्या है करंट वो आगे से आगे जल्दी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। अब इसमें क्या फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़े थे, कौन से हेलन एक्सटिंग्विशर है, CTC एक्सटिंग्विशर है, BCF है, फोम फायर है, ड्राई पाउडर है, ये सब एक्सटिंग्विशर हमने क्या पहले पढ़े थे। किसमें पढ़े थे आग के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स की जो फायर होती है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर जो हमने पढ़ी थी, क्लास डी फायर, उनके अंदर क्या एक्सटिंग्विशर का भी बताया था कि कौन से एक्सटिंग्विशर है वो किस फायर के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर क्या है इसकी डिटेल दी हुई है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें दिया हुआ है यह आग बुझाने का यंत्र है जिसे आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे वर्कशॉप में उचित स्थान पर लटका देते हैं, इसमें आग के प्रकार के अनुसार गैस व रसायन भरे होते हैं जिसे आग को बुझाया जा सकता है, यानी कि इसमें जैसे CO2 गैस भी भरी होती है, इसमें फोम फायर है, ड्राई पाउडर है, CTC भी भरी होती है, कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड, ये क्या अलग अलग इसमें भरी रहती है। तो इसमें फर्स्ट क्या हमें दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है CTC एक्सटिंग्विशर, CTC क्या है कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर, सेकंड क्या है फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है, और थर्ड क्या है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार लिखा हुआ है, चित्र बनाओ, इनके क्या टाइप्स लिखने हैं और इनके क्या फिगर अलग अलग आपको दिए हुए हैं, जैसे क्या ये वाटर के एक्सटिंग्विशर है, इनके ऊपर क्या वाटर लिखा हुआ है दोनों में यहाँ पर, ठीक है, आप इनको इनकी पहचान वो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है वाटर फिल्टर्ड एक्सटिंग्विशर, यह भी दो प्रकार के होते हैं। अब वाटर फिल्टर्ड एक्सटिंग्विशर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अलग अलग भागों में उनको क्या डिवाइड किया हुआ है। अब वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स्टोर्ड प्रेशर और एक होते हैं गैस कार्ट्रेज टाइप, ए प्रकार के गैस स्टोर की होती है और जबकि बी टाइप की गैस है वो तैयार हो जाती है उसी टाइम, क्या वो गैस तैयार हो जाती है, और ए टाइप में क्या होता है कि गैस है वो पहले से स्टोर की हुई उसके अंदर रहती है। नेक्स्ट है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर, तो यह स्टोर प्रेशर टाइप और गैस कार्ट्रेज टाइप दोनों प्रकार में होता है, यह भी यह तेल की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम क्या करेंगे, तेल की फायर बुझाने के लिए क्या हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, और जो तेल वगैरह की जो आग लगी होती है बिजली की आग होती है उस पर क्या हमें पानी का यूज है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड, पानी का यूज है वो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑयल की फायर है या फिर इलेक्ट्रिक फायर है तो उसके ऊपर क्या हम पानी का यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे फोम फायर का यूज है वो हम इलेक्ट्रिक फायर पर भी, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज है वो इलेक्ट्रिक फायर पर हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग है वो बहते तरल की आग बुझाने के लिए किया जाता है, किसका फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो किसके लिए, बहते तरल की आग बुझाने के लिए। अब फोम फायर है ये क्या काम करती है, ये एक परत बनाती है, फोम बनाती है जिससे क्या हमारी आग है वो बुझ जाती है,
ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, यह ड्राई पाउडर के साथ में फिट होते हैं। ये भी स्टोर प्रेशर और गैस कार्ट्रेज दोनों टाइप के होते हैं। यह वाटर फिल्टर की तरह ही होते हैं और अंतर सिर्फ नोजल का होता है। इसका प्रयोग क्लास सी फायर अर्थात गैसों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। क्लास ए फायर के लिए हम किसका यूज करते हैं, पानी वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। क्लास बी फायर के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। क्लास सी फायर के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। और क्लास डी फायर के लिए हम किसका यूज करते हैं, CO2 या CTC फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ये इसका फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम क्या यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है वो आग जलाने में सक्षम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग को बुझाने में सक्षम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके डिस्चार्ज की शेप वो अलग होती है जिससे इसे डिस्चार्ज होने लगा होता है। यह क्लास बी के फायर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग खुली हवा में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। अब खुली हवा में ज़्यादा प्रभावशाली क्यों नहीं होता है CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर का, तो वो क्या है कि जैसे CO2 गैस को हम छोड़ेंगे खुली हवा में, तो क्या है वो वातावरण में मिल जाएगी, जल्दी जल्दी इधर उधर बिखर जाएगी। तो क्या है, ये एक सीमित स्थान और बंद स्थान पर क्या है, ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेलन एक्सटिंग्यूशर। हेलन एक्सटिंग्यूशर का दूसरा नाम क्या है, तो CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोराइड फ्लोमोमेथेन BCFB इसे कहते हैं। यानी कि CTC फायर एक्सटिंग्यूशर का दूसरा नाम क्या है, BCF है और हेलन एक्सटिंग्यूशर है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। तो डियर फ्रेंड, आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर वो करेक्ट है या नहीं है। अगर आपका करेक्ट आंसर है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका करेक्ट आंसर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप याद कर लीजिए कि हेलन एक्सटिंग्यूशर, CTC फायर एक्सटिंग्यूशर और BCF फायर एक्सटिंग्यूशर तीनों एक ही एक्सटिंग्यूशर के नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें CTC फायर एक्सटिंग्यूशर लिखा हुआ है, तो BCF में क्या होगा, यहाँ पर BCF आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये तीनों क्या है, एक ही है, हेलन एक्सटिंग्यूशर, CTC और BCF, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, यह भी गैस कार्ट्रिज या स्टोर प्रेशर टाइप के होते हैं। यह बिजली की आग क्लास डी फायर के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। बिजली की आग, वेल्डिंग की आग बुझाने आदि के लिए क्या है, सॉलिड ये इसके आदि की आग बुझाने के लिए क्या है? इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए, यानी कि स्पॉट डेट कहीं फायर है और लग गई है, आग लग गई है वहाँ पर हम हैं, और आग लगने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आग लगने पर हमें निम्नलिखित बातों को तुरंत पालन करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, आग लगने पर तुरंत अलार्म बजाना चाहिए। जो क्या है, फायर अलार्म जगह जगह क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो उस बटन को क्या हमें दबा देना चाहिए, तो उससे क्या है कि अलार्म वो बजने लगेगा, सबको सूचना मिल जाएगी कि कहीं पर आग लगी है, ठीक है। तो क्या है, ज़्यादा जान माल की हानि होने से बचा जा सकता है। सेकंड क्या, इसकी सूचना टेलीफोन द्वारा अग्निशमन विभाग को तुरंत देनी चाहिए। यानी कि सेकंड हमें क्या, फर्स्ट क्या काम करना है, हमें अलार्म बजाना है, सेकंड फिर क्या करना है, टेलीफोन करना है किसको, फायर ब्रिगेड को, अग्निशमन विभाग को, क्या तुरंत इसकी सूचना हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है सभी मशीनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब मशीनें जितनी भी चल रही हैं उनको क्या तुरंत हमें बंद कर देना चाहिए। बिजली की सप्लाई व गैस सप्लाई को भी बंद कर देना चाहिए, ताकि क्या हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो सके या फिर गैस लीक ना हो सके। हो सकता है बिजली गैस की सप्लाई हमने कहीं से कर रखी है, हो सकता है गैस में आग लग जाए, तो क्या बहुत बड़ा विस्फोट होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है हमारा, यदि आपके पास आग बुझाने के साधन है तो उसका प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। अब इसका यूज है वो हमें कैसे करना चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक्सटिंग्यूशर होते हैं तो उसका क्या यूज हम कैसे करते हैं, तो उसको हम शॉर्ट में किससे जानते हैं, PASS पास के नाम से हम क्या उसको शॉर्ट में जानते हैं, ठीक है। अब पास का क्या मतलब है, ठीक है, तो पास का मतलब है, पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है निशाना लगाना, और एस का मतलब होता है आपको क्या करना है, स्वीप करना है, और आपको एफ से क्या हमको स्ट्रेंथ करना है। यानी कि सबसे पहले क्या है, एक्सटिंग्यूशर के ऊपर जो पिन लगी होती है उसको हमें बाहर खींचना है, ठीक है। उसके बाद ए से एरिया, एरिया में जाना है जहाँ पर क्या है, यहाँ पर आग लगी हुई है।
अब क्या है उसके ऊपर निशाना लगाना है ऐसे स्क्विज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर फायर जल रही है, ऐसे ऐसे फायर जल रही है मान लो, तो या हमें क्या करना है कि एक्सटिंग्विशर से यहाँ पर हमें अटैक करना है, न कि यहाँ पर अटैक करना है। यहाँ पर अगर हम अटैक करेंगे तो हमारी आग है वो नहीं बुझ पाएगी, क्योंकि मेन तो आग हमारी यहाँ से जल रही है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस जगह पर अटैक करना है, ठीक है। यदि आपके पास उस ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर खतरा हमें मोल नहीं लेना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई फर्स्ट ये फायर आग बुझाने के लिए कोई भी आपके पास सुविधा नहीं है, तो क्या हमें ऐसे क्या है कि प्रॉब्लम है वो नहीं लेनी चाहिए, यानी कि उसकी उसमें क्या हमें ज़बरदस्ती नहीं ऐड होना चाहिए, ठीक है, उससे हमें अलग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 5 नंबर, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आग लगने पर दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद करनी चाहिए, लेकिन उसको बोल्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दरवाजे बंद करने से ऑक्सीजन कम मिलेगी तथा आग तेज नहीं होगी, वह फैलती नहीं है। अब आग लगने पर हमें दरवाजे क्यों बंद करने चाहिए, समझ में आ गया हो कि आग आग लगने पर अगर हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे तो क्या होगा, आग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिल पाएगी तो वो क्या होगी, धीरे धीरे मंद होने लगेगी तेज होने की बजाय, और अगर उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो आग कम नहीं होगी, आग हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या खिड़कियों और दरवाज़ों को क्या हमें बोल्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उनकी कुंडी हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी भी समय हमें उसको खोलना पड़ जाए, तो इसके लिए क्या कुंडी नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है, इसमें आज की वीडियो का भी लास्ट है क्योंकि वीडियो को काफ़ी बड़ा हो गया है, और नेक्स्ट हमारे क्या है कि अभी क्वेश्चन आंसर चलने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है लास्ट में, जो आदमी आग से गिरा हो उसे भी बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर ना आने की स्थिति में उसे ढूंढने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को खोल खतरा है वो मोल लेना पड़ सकता है। अब क्या जो व्यक्ति आग से गिरा हुआ है उसको अगर आने का रास्ता है, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो बात अलग है, अगर वो उसको आने के लिए रास्ता है या वो आ सकता है तो उसको क्या है वहाँ से तुरंत चले आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो क्या होता है कि जैसे एक स्पेशल टीम वगैरह टीम होती है फर्स्ट एड के लिए, तो वो टीम क्या है रिसर्च शुरू करती है, तो उसमें क्या वो हर एक इंसान को ढूंढती है, एक एरिया होता है, ठीक है, तो उस जोन में जाकर क्या सभी को इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड जोन होता है या एरिया एक बना होता है सबके लिए अलग अलग, फायर जोन वगैरह, तो वहाँ पर क्या सब लोगों को क्या होता है इकट्ठा होना होता है, तो वहाँ पर उसको चला जाना चाहिए, वहाँ पर क्या सबकी काउंटिंग होती है कि कितने लोग आ गए कितने नहीं आए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, तो आप देखना ना भूलें हर शाम 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।